मध्य प्रदेश की सियासत में सबसे लंबे समय 13 साल तक एक छत्र राज करने वाले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अंदाज से तो सभी वाकिफ है। उन्होंने कामकाज भी किया और दिलों पर राज भी किया। अब जब शिवराज हार गए हैं तो उनके कार्यकर्ता थोड़े दुखी हैं। लेकिन शिवराज ने अपने उन्हीं कार्यकर्ताओं से कहा कि दुखी ना हो, टाइगर अभी जिंदा है। कोई ये चिंता मत करना कि हमारा क्या होगा, मैं हूं ना शिवराज सिंह चौहान। टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है। अपने बंगले पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिवराज ने मतदाताओं और कार्यकर्ताओं का आभार प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित करते हुए कई बातें कही जो उनकी जिंदा दिली का प्रतीक बन गई। और आप सब कार्यकर्ताओं से कह रहा हूं, चिंता मत करना, अपन कमजोर नहीं है। मैं कहने के लिए नहीं कह रहा, अरे लड़ाई के तो अपन चैंपियन है। सरकार में तो 13 साल रहा, उसके पहले तो इसे घेर दो उसे घेर दो, कोई है। पहले तो मर्यादाएं धीरे, मुख्यमंत्री की मर्यादा का पालन करना पड़ता है। अब अपना कहीं का काम रुका और घेरो, पहले दस्तक करके करते थे, अब लड़ लड़ के करेंगे। कोई में हिम्मत नहीं है जो अपनी बात टाल जाए, चिंता मत करना। कुल मिलाकर राजनीति में शिवराज ने खुद को एक टाइगर के रूप में साबित तो किया है, और यही कारण है कि अपनी ही पार्टी की हार के बाद भी शिवराज आत्मविश्वास के साथ फिर से राजनीति में लंबी छलांग की तैयारी में है। गुरुवार को अपने ट्विटर हैंडल पर भी शिवराज ने लिखा कि अपनी लंबी छलांग लगाने के लिए 2 कदम पीछे हटना जरूरी है, और यही वह खूबी है जो शिवराज सिंह चौहान को बड़े कद का नेता बनाती है। अब देखना होगा कि एमपी के टाइगर शिवराज सिंह चौहान सत्ता से बाहर अपनी पार्टी को किस तरह से ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। स्पेशल रिपोर्ट, टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।